दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्कूल में काफ़ी मुश्किल मुश्किल चार्ट्स देते ही रहते हैं और हमारे पास इतने आइडियाज़ भी नहीं होते कैसे हमें वो चार्ट्स बनाने हैं। इसीलिए मैं आपके लिए आइडियाज़ लेकर आया, बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया हूँ कि कैसे हम हिंदी के स्वर नाम नाव या किसी का भी चार्ट बना सकते हैं मेरे इस आइडिया से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहाँ हिंदी का स्वर नाम का चार्ट बनाया है। इसमें हमें ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं, ये मतलब आपकी क्रिएटिविटी होगी इसे बनाना, आपका बिल्कुल खर्चा नहीं होगा इसमें। आप इसे बस पेंसिल, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए पेंसिल, इरेजर, एक वाइट चार्ट और कुछ क्रेयॉन कलर और पेंसिल कलर्स और कुछ स्केचेस। इससे ही आपका बहुत ही अच्छा कमाल का चार्ट बन जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये चार्ट कैसे बनाया। दोस्तों, सबसे पहले मैंने चार्ट का सेंटर चेक किया कि चार्ट में सब का सेंटर कौन सा है। तो मैंने चेक किया कि चार्ट का जो सेंटर है वो यहाँ आता है और यहाँ मैंने बहुत ही बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया। और जो आपका मतलब कि मेन मोटिव है कि आप किस पर मतलब कि आपको किस पर चार्ट बनाना है वो आप बचाले लिख दीजिए इस बीच में, जैसे कि मैंने लिख दिया स्वर नाम और इसके भेद। और मैंने यहाँ लिख दिया है उदाहरण, जैसे मैं, कुछ, वह, आदि। और उसके बाद मैंने एक लीफ को ड्रॉ किया पेंसिल की मदद से। उसके बाद मैंने यहाँ ब्लैक स्केच की मदद से आउटलाइन की और यहाँ लिख दिया मैंने पुरुषवाचक स्वर नाम और नीचे लिख दिया दोस्तों मैंने उदाहरण। दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इस लीफ को थोड़ा सा आपको बड़ा ड्रॉ करना होगा तो जो जो आप ये उदाहरण है ये आप लीफ के बीच में ही लिख सके। वैसे मुझे लगा ऐसे भी अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था। आप चाहें तो इस उदाहरण को इसके बीच में भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे पिंक स्केच के साथ लिखा है दोस्तों। दोस्तों, आप चाहें तो कोई और चार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वाइट ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आप सभी कलर के स्केच, क्रेयॉन, सभी का प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, निश्चयवाचक स्वर नाम। उसके बाद मैंने इसे येलो कलर से फिल कर दिया है और मैंने उदाहरण लिख दिया है। उसके बाद लिखा मैंने अनिश्चयवाचक स्वर नाम। उसके बाद इसका उदाहरण, यहाँ प्रश्नवाचक स्वर नाम, इसका उदाहरण संबंधवाचक स्वर नाम और इसका उदाहरण, और यहाँ है निजवाचक स्वर नाम और उसका उदाहरण। और उसके बाद दोस्तों मैंने क्रेयॉन्स लिए। क्रेयॉन्स को दोस्तों ऐसे कुछ ऐसे रखिए आप और इसकी मदद से ऐसे कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्रेयॉन की मदद से वहाँ हो जाएगा, जिससे आपका चार्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। जो आपको है क्रेयॉन को इस तरह पकड़ना है और इसे यहाँ रखना है और ज़ोर से इसे प्रेस कर कर ऐसे कर देना है, जिससे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा आपको। दोस्तों, एक ही कलर से यहाँ सभी तरफ कर सकते हैं और अलग अलग कलर से भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है, आप देख सकते हैं, प्रथम गुप्ता, और इसके ऊपर ऐसे क्रेयॉन की मदद से डिज़ाइनिंग कर दी, यानी कि मैंने इसे हाईलाइट जो है वो कर दिया है। दोस्तों, अब तो आपने देखा ये स्वर नाम का सारा चार्ट मैंने कैसे बनाया है। अब मैं थोड़ा सा इसे स्टैंड कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बना है ये चार्ट। तो अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, मैंने आपके लिए इसे स्टैंड कर दिया है। देखिए कितना अट्रैक्टिव और कमाल का ये चार्ट लग रहा है। सिंपल, अट्रैक्टिव, क्रिएटिव, सब कुछ है दोस्तों इसमें, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल नो अबाउट वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा मेरा चार्ट बनाने का ये आइडिया।